नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नौकरी एग्जाम वाला में। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों सीटेट पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल एग्जाम दिसंबर जो कि जुलाई 2019 में कंडक्ट कराया गया था CBSE के द्वारा, दोस्तों आज हम इस वीडियो के इस पार्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने उत्तर सहित बता रहे हैं। सबसे पहले इसके निर्देश देख लेते हैं। निर्देश हैं, निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। दोस्तों बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार हमारी वीडियोज को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाल बटन को दबाकर। साथ ही सब्सक्राइब के बटन के सामने आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाली हमारी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सकेगा और आप सबसे पहले जानकारी से भरी वीडियोज का आनंद ले सकेंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स में सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर एक है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन एक समावेशी शिक्षा, ऑप्शन दो पृथक्करण, ऑप्शन तीन मुख्य धारा शिक्षण, ऑप्शन चार एकीकृत शिक्षा। सही उत्तर है प्रश्न का समावेशी शिक्षा का वकालत करता है अधिनियम 2009। प्रश्न नंबर दो, यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, ऑप्शन है एक मुख्य धारा शिक्षा, ऑप्शन दो विशेष शिक्षा, ऑप्शन तीन बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, ऑप्शन चार समावेशी शिक्षा। सही उत्तर है समावेशी शिक्षा। प्रश्न नंबर तीन, एक शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन एक वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, ऑप्शन दो वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं और विविधता की अनदेखी करें, ऑप्शन तीन यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, ऑप्शन चार वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं एवं महत्व देती हैं। प्रश्न नंबर चार, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब ऑप्शन एक वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, ऑप्शन दो वे श्यामपट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, ऑप्शन नंबर तीन वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ऑप्शन नंबर चार शिक्षा कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं में बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर पांच, बच्चों को कक्षा में प्रश्न ऑप्शन एक पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन दो पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर तीन पूछने से रोकना चाहिए, ऑप्शन नंबर चार पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, पूछने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर छह, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? ऑप्शन नंबर एक पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, ऑप्शन दो निर्देश एवं संचालन, ऑप्शन तीन अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन नंबर चार कंठस्थीकरण। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, कंठस्थीकरण एवं स्मरण मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा अधिगम घटित होता है, जबकि पुनरावृत्ति एवं अभ्यास से, निर्देश एवं संचालन से, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया के द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। प्रश्न नंबर सात, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? स्तंभ ख एक प्रतिभाशाली, ए धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, नंबर दो अधिगम आसक्तता, बी मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, नंबर तीन सृजनात्मक आसानी से विचलित होने की आदत, नंबर चार अवधान कमी अति सक्रियता व्यक्तिक्रम शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। दोस्तों इन सभी का सही क्रम होगा प्रतिभाशाली बच्चे शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं, नंबर दो अधिगम असक्तता वाले बच्चे धारा प्रवाह पढ़ने में कमी रखते हैं, नंबर तीन सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं वो मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हैं, नंबर चार अवधान कमी अति सक्रियता व्यतिक्रम वाले बच्चे आसानी से विचलित होने की आदत रखते हैं। तो उपरोक्त
प्रश्न नंबर 8, बच्चों की गलतियां डैश एक बार 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 अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। नंबर 2, अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। नंबर 3, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। नंबर 4, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती। प्रश्न नंबर 9, मूल्यांकन को डैश ऑप्शन 1, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित या लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है ऑप्शन 1, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। ऑप्शन 2, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 3, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। ऑप्शन 4, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होती है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम। प्रश्न नंबर 11, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी डैश ऑप्शन नंबर 1, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों का उत्साह भंग हो जाता है और वे दबाव में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। ऑप्शन 4, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। प्रश्न नंबर 12, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन 1, पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उनमें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। ऑप्शन 2, पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर 3, पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। प्रश्न नंबर 13, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल व प्रयास शामिल है निम्न में किसका उदाहरण है। ऑप्शन 1, निगमात्मक विधि का। ऑप्शन 2, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का। ऑप्शन नंबर 3, परंपरागत विधि। ऑप्शन नंबर 4, अंतरवैयक्तिक विधि। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का। प्रश्न नंबर 14, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ऑप्शन है नंबर 1, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, आनुवांशिक एवं पर्यावरण अलग नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। प्रश्न के संदर्भ में सही उत्तर। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। ऑप्शन 1, विद्यालय। ऑप्शन 2, सरकार। ऑप्शन नंबर 3, मीडिया। ऑप्शन नंबर 4, परिवार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, परिवार प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम होता है। प्रश्न नंबर 16, जीन प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि ऑप्शन 1, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। ऑप्शन 2, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, जेंडर है ऑप्शन 1, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता। ऑप्शन 2, एक सामाजिक संरचना। ऑप्शन नंबर 3, एक आर्थिक अवधारणा। ऑप्शन नंबर 4, एक जैविक निर्धारक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जेंडर यानी लिंग एक सामाजिक संरचना होती है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। ऑप्शन नंबर 1, संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक एवं स्वय। नंबर 2, शारीरिक व्यक्तित्व।
शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। नंबर 3 सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। नंबर 4 शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। सही उत्तर है प्रश्न का, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। प्रश्न नंबर 19, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 2 बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती हैं। नंबर 3 बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। नंबर 4 बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली क्या योग्यताएं शामिल हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबा दें जिससे आपको आने वाली नई वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं आप तो सब्सक्राइब दोबारा से ना करें। धन्यवाद। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, ऑप्शन नंबर 2 सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, ऑप्शन नंबर 3 खाली स्लेटों के रूप में, ऑप्शन 4 छोटे वयस्कों के रूप में। सही उत्तर है ऑप्शन 2 सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। प्रश्न नंबर 21 लेव वायोगोत्स्की के अनुसार अधिगम ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत गतिविधि है, ऑप्शन नंबर 2 एक निष्क्रिय गतिविधि है, ऑप्शन नंबर 3 अनुबंधित गतिविधि है, ऑप्शन नंबर 4 एक सामाजिक गतिविधि है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 लेव वायोगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि होती है। प्रश्न नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? ऑप्शन नंबर 1 लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ऑप्शन 2 विलंबित अनुकरण, ऑप्शन नंबर 3 विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ऑप्शन नंबर 4 वर्तुल प्रक्रिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 विचारों की अनुत्क्रमणीयता। प्रश्न नंबर 23 बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल अनुवांशिकता के द्वारा पूर्ण निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। ऑप्शन नंबर 4 सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। प्रश्न नंबर 4 चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। ऑप्शन 1 अधोगामी शीर्षगामी, ऑप्शन 2 अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, ऑप्शन नंबर 3 परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, ऑप्शन 4 शीर्षगामी अधोगामी। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिगत विविधताएं फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक होता है। प्रश्न नंबर 25 वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन 2 पूर्व क्रियात्मक अवधि, ऑप्शन नंबर 3 बाल्यावस्था की समाप्ति, ऑप्शन नंबर 4 क्रिया किशोरावस्था। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उस अवस्था को किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26 जीन प्याजे के अनुसार बच्चे ऑप्शन 1 प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 बच्चों को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3 बच्चों को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4 ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं।
प्रश्न नंबर 27, मौखिक संवाद जो बच्चों को अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वायगोत्स्की क्या कहते हैं? ऑप्शन एक व्यक्तिगत वार्ता, ऑप्शन दो भ्रांत वार्ता, ऑप्शन नंबर तीन समस्यात्मक वार्ता, ऑप्शन नंबर चार अहं केंद्रित वार्ता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक व्यक्तिगत वार्ता। जब कोई व्यक्ति या बच्चा या छात्र अपने आप से संवाद या बातें करता है तो उस संवाद को लेव वायगोत्स्की ने व्यक्तिगत वार्ता के नाम से वार्ता की संज्ञा दी थी। प्रश्न नंबर 28, खिलौने पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्रियां व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या दर्शाता है या प्रदर्शित करता है? नंबर एक जेंडर रूढ़िवादिता, नंबर दो जेंडर सिद्धांत, नंबर तीन जेंडर प्रासंगिकता, नंबर चार विकसित जेंडर पहचान। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक जेंडर रूढ़िवादिता यानी लिंग रूढ़िवादिता। प्रश्न नंबर 29, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, ऑप्शन एक उनकी या उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर दो उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऑप्शन नंबर तीन उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, ऑप्शन नंबर चार उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। प्रश्न का सही उत्तर है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। प्रश्न नंबर 30, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन एक सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, ऑप्शन दो दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, ऑप्शन तीन सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ऑप्शन चार यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, इस तरह का कोई भी व्यक्ति या बच्चा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस हमने पेडागोगी के अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना था। आशा करते हैं ये आगामी सीटेट परीक्षा प्राइमरी लेवल के लिए पेपर फर्स्ट के लिए जो कि दिसंबर 2019 में कंडक्ट होगी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इनको अच्छी तरह से आप रट लें, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको परीक्षा उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए अति अति धन्यवाद।